मेरे पास गाड़ी आई हुई R15, इसमें आपकी गाड़ी का पेट्रोल कम रहेगा तब गाड़ी का पिकअप प्रॉब्लम और आपकी गाड़ी का मोटर खराब हो जाएगा। कम से कम इसमें 3 लीटर के ऊपर पेट्रोल रहना चाहिए। एक तो ये आपकी गाड़ी का मिसिंग, आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो फ्यूल पम्प जिसको बोलते हैं, जैसे मोटर बोलते हैं, वो खराब होता है। और जो रस्ट पकड़ता है टाकी के अंदर, जो जंग पकड़ता है, किस लिए पकड़ता है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप वो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। दोस्तों मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि R15 का एक टाकी ओपन किया हूँ मैं, जिसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि टाकी के अंदर पानी चलो जाता है। पानी अंदर जाने के बाद गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इंजेक्शन वाला है, कार्बोरेटर वाला नहीं है। इसका जो फ्यूल पंप होता है, हमने पूरा इसको सफ़ा कर चुके हुए, देख लीजिए, इसको फ्यूल पंप जैसे मोटर बोला जाता है, हमने पूरा अच्छे से पूरा क्लीन कर चुके हुए है, ये पूरा ओपन करके। तो इसके ऊपर भी वीडियो बनी है। तो ये किस लिए होता है कि कस्टमर लोग को भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी गाड़ी का मालिक है उनको भी ध्यान देना चाहिए, तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी मैकेनिक भाई लोग के पास गाड़ी अगर आए तो तभी भी ध्यान थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो गाड़ी के अंदर पानी जो टाकी होता है, टाकी के अंदर पानी नहीं जाता है। अभी हमने क्या किए हुए, पहले आपको ये बता दें, पहले हमने क्लीन कर दिया, सफ़ा कर चुके हुए हैं। अभी जो टाकी होता है, टाकी का एक दो होल आता है, एक होल होता है एयर के लिए, एक होल होता है पानी जाने के लिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पूरा इसको, मैं कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया टाकी को लेकर बैठ के, अच्छे एकदम अच्छे से क्लीन करने के लिए। इसको कभी भी आप ढक्कन खोलो, ढक्कन खोल के इसको अंदर से सफ़ा करना चाहिए। एक तो ये है, नहीं तो आपको एलंकी से तीन बोल्ट खोलना पड़ता है। तीन बोल्ट कौन से होता है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 3-1-4 बोल्ट खोल के इसको ईजी से ढक्कन निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर आप इसको बहुत ईजी से सफ़ा कर सकते हो। अगर कस्टमर नहीं निकाल पाए तो अंदर से कपड़ा डाल के सफ़ा कर देना चाहिए। मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसको अच्छे से क्लीन कौन से होल किया हो मैंने। ये जो होल होता है ये वाला, इसमें पेट्रोल जरा सी भी, जैसे पेट्रोल या पानी कुछ भी नहीं जा रहा, इसको हमने सफ़ा किए, ये भी होल सफ़ा किए। और ये वाला होल जो है तो एयर के लिए, ये भी हम सफ़ा कर चुके हुए। अभी आपको गंदा यहाँ दिख रहा होगा, पेट्रोल भी दिख रहा होगा, इसको हम अच्छे से अभी क्लीन, इसको सफ़ा अच्छे से सफ़ा कर भी दिखाता हूँ। इसमें हमने तार डाले, तार कौन से आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो इलेक्ट्रिक जो तार होता है, जो इसका इलेक्ट्रिक मतलब जिसे जो गाड़ी का वायर होता है, वायर से सफ़ा किए, उससे भी सफ़ा किए। और ये वाला केबल इसके अंदर डाल के, इसको ज़्यादा ताकत से नहीं डालना चाहिए, हल्का हल्का डाल के इसको सफ़ा किया मैंने। अभी इसका जो होल है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसका होल और इसका होल एकदम क्लीन कर चुका हूँ, सफ़ा कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा, इसको अच्छे सफ़ा कर लेता हूँ, फिर आपको पेट्रोल डाल के दिखाता हूँ। पेट्रोल बहुत ईजी से ये बाहर चले जाता है, आपको दिख रहा होगा। हमने एकदम से क्लीन मतलब सफ़ा कर चुके हुए हैं। और सफ़ा करने के बाद मैं आपको पहले तो पेट्रोल डाल के दिखा देता हूँ मैं। सब करने का काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। ये देखिए पेट्रोल बराबर चले जाता है, पेट्रोल यहाँ रुकता नहीं है, मतलब कैसे है पूरा जमा नहीं होता, डायरेक्ट इसमें चले जाता है। ये देखिए सफ़ा हो गया, एक तो ये दिखा दिया। अब आपको इसमें एक थोड़ा सा ऑयल मार दिया, मैं तो ऑयल भी थोड़ा मार देता हूँ, क्या क्या होल जो होता है हल्का से थोड़ा ऑयलिंग रहेगा तो सही रहता है। ये देखिए इसमें तो मैं ऑयल भी मार रहा हूँ, देखिए देखो ऑयल भी चले जाता है, देखो ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल पतला होता है, ये भी चले जाता है। अब कौन से होल से आ रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं ये देख लीजिए, ए वाला होल से जो होता है पानी आता है, और ए वाला होल से ये जो दिख रहा है वाला, ये होता है एयर के लिए, हवा के लिए, क्योंकि ढक्कन जब पैक होता है तो इसके थ्रू से हवा चले जाता है। देखिए ए वाला, अब इसको हम ढक्कन लगाते, और ढक्कन लगाने के बाद ये देख लीजिए जो टैंक का ढक्कन होता है, इसको हम ये तीन जो बोल्ट होता है इसका, एलंकी टाइप का बोल्ट है, इसमें तीन ही आपको ओपन करना है, एक है तीन है और एक अंदर आता है, समझ लो चार ए बोल्ट ओपन करना है। ओपन करके आप सफ़ा कर सकते हो, या इसको थोड़ा मैं टाइट कर देता फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो सब मैकेनिक कर सकते हैं, कस्टमर के पास अगर एलंकी है, खोलने का तरीका मालूम है तो भी खोल के इसको सफ़ा कर सकते। अभी हम टेम्पर वाले इसको फिटिंग किए हुए हैं, बाद में टाइट कर दूंगा अच्छे से।
इसको हम ढक्कन निकालते पहले। ये देखिए अभी हम कस्टमर लोग के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास गाड़ी है तो इसको कपड़ा से हल्का से डाल के इसी तरीका इसको क्लीन जैसे सफ़ा रहना चाहिए अंदर। अगर आपकी गाड़ी यहाँ सफ़ा हुआ है तो आपकी गाड़ी में दो चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक तो आपकी जो टाकी होता है अंदर, टाकी पूरा रस पकड़ लेता सड़ जाता है। एक तो आपकी गाड़ी को नहीं होगा, अगर होल चौका है पानी गया तो इसमें दो तकलीफ देगा, एक आपकी गाड़ी का टाकी ख़राब हो जाता है, दूसरा जो होता है पिकअप के अंदर ही प्रॉब्लम आता है। तो जब पिकअप के अंदर प्रॉब्लम आता है तो ऐसे मोटर खोल के इसको सफ़ा करना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा मोटर ही चेंज करना पड़ता है। इसमें दो चीज़ें समझ लो प्रॉब्लम। तीसरा ये आपको ये बता दे रहा हूँ, मोटर भी ख़राब हो सकता है, पानी जा के मोटर ख़राब हो जाता है तो भी नया डालना पड़ता है। ये समझ लो तीनों चीज़ अगर बचना है तो इसको आपको हमेशा सफ़ा रखना चाहिए। ये जो है पूरा अच्छे से सफ़ा रहेगा तो आपकी गाड़ी में 100% प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगा। आपकी टाकी नहीं सड़ेगा गाड़ी का, आपकी गाड़ी का मोटर नहीं ख़राब होगा, आपकी गाड़ी का जो होता है पिकअप का ही प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। ये देखिए हमने पूरा ओपन किए हुए है, वही गाड़ी है तो इसको हम सब निकाल चुके हुए हैं। निकालने के बाद तभी टाकी सफ़ा हुआ है।